मैम, कलावा क्या होता है और इसका नवरात्रों में क्या महत्व है? हाँ, कलावा मोली को बोला जाता है। ये सूती धागा होता है जो लाल या पीले रंग से रंगा होता है। तो ये हाथ पर बांधा जाता है और इसको 3 बार बांधना चाहिए, क्योंकि 3 हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 3 देवियाँ यानी कि सरस्वती, दुर्गा और पार्वती जी को ये समर्पित होता है ये धागा। तो इस धागे का जो, क्योंकि कलाई पे बांधा जाता है तो कलाई मंगल को रिप्रेजेंट करती है और हमारे जो हमारी बॉडी की जितनी भी नसें होती है वो कलाई के माध्यम से ही बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बांधा जाता है कलावा, उसका रंग लाल होता है जिससे बॉडी एनर्जेटिक होती है और उससे हमारी बहुत सारी बीमारियों से हमें भी मुक्ति भी मिलती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया या पैरालाइज की समस्या हो गया या और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो कलावा जो है हमेशा 3 बार में बांधना चाहिए और पुरुषों के लिए ये राइट हैंड में और स्त्रियों के लिए लेफ्ट हैंड के अंदर सही होता है।